वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूजीसी नेट के अंदर जो आपके टॉप जो मैं मैटर आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर परफेक्टली ये चीज़ देखना चाहते हैं तो इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें और है। तो लेकिन मैं जो आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है कि यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से आपको इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या कहता है? इन दिस कॉन्ट्रैक्ट अदर पर्सन एक्सेप्ट्स द लायबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन इट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। ये इंट्रोडक्शन है। इसमें ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कोई और पर्सन गारंटी लेता है, ठीक है ना, किस चीज़ की गारंटी लेता है या एक्सेप्ट करता है, ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन इट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। ऑलराइट, अब ये क्या हुआ, क्या बोला इसने? अब हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 126 ऑफ, ठीक है ना, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसमें ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है ना, टू परफॉर्म, अब किस चीज़ का है, टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इसमें कोई थर्ड पर्सन प्रोमिस करता है टू परफॉर्म द लाइबिलिटी इन केस इट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। अब इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हुए फिर, है ना। अब किसी किसी के बीच में तो ये भी आ रहा होगा दिमाग में, कोई इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस क्या हुआ, तो उसकी चिंता ना करिए, मैंने इस वीडियो के एंड में आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। तो अब हम इसके देख लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। ऑल राइट, एसेंशियल एलिमेंट्स में आपका सबसे पहला है, इसमें थ्री पार्टीज़ होती हैं। अगर आप ध्यान देंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ डेफिनेशन में थर्ड पार्टी, है ना, तो इसका मतलब कितनी पार्टी होगी, वन टू थ्री, थ्री पार्टीज़ होंगी, ठीक है ना। अब कौन कौन सी थ्री पार्टीज़ होती हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है। इसमें एक तो होता है क्रेडिटर, ठीक है, इसमें एक होता है डेटर और एक होता है श्योरिटी। श्योरिटी कौन है भाई, ये नया वो है जो ये प्रॉमिस करता है कि इन केस कि ये नहीं पूरा कर पाता है तो मैं दूंगा, ठीक है ना। अ पर्सन हु लेंड्स सिक्योरिटी इज नोन एज द श्योरिटी। द पर्सन टू हुम इट इज़ गिवन इज क्रेडिटर, एंड द पर्सन जिसके लिए ये दिया जाता है कि अगर इसने नहीं किया तो उसे हम बोलते हैं डेटर। तो हमारे पास इस केस के अंदर तीन पार्टीज़ कौन कौन हुई, इसके अंदर आपके पास तीन पार्टीज़ कौन कौन हुई, एक तो हुआ क्रेडिटर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सॉरी क्रेडिटर, दूसरा आपका हुआ डेटर और तीसरा आपका कौन हुआ श्योरिटी, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब है आपके पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो आपका रिटन या ओरल होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है कैन बी ईदर रिटन और ओरल, ठीक है, और ओरल एग्रीमेंट का हैज़ द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ रिटन गारंटी, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी टॉपिक था इस वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स, देखो कंसिडरेशन, ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर करता है कंसिडरेशन, है ना। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वॉइड अब इनिशियो कहलाएगा, ठीक है। किसी चीज़ के लिए कि अगर आप मुझे ये दोगे मैं इसके बदले में ये चीज़ दूंगा, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। अब है अ लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो लाइबिलिटी किस तरीके से हुआ आपका, ये चीज़ थोड़ी सी आराम से समझना कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स लाइबिलिटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ।
In the lack of liability enforceable by law, the contract of guarantee cannot be constituted. कहने का मतलब ये है, इसमें क्या हुआ कि third party which is known as the surety, वो बोलता है कि in case कि जो debtor है in default में रहता है तब मैं आपको पे करूँगा. किसको बोलते हैं सारी श्योरिटीज़, किसको दी जाती है? टू द क्रेडिटर, राइट. अब इसमें क्या हुआ आपका कि इसके अंदर एक लाइबिलिटी जनरेट होती है विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है ना. तो एक लाइबिलिटी भी एक इसका एसेंशियल एलिमेंट है. और आपका लास्ट है इन द पॉइंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहने का मतलब है कि इसके अंदर आपके तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले किसके बीच में हुआ होगा, आप ध्यान दो, सबसे पहले हुआ होगा आपका डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ठीक है. तो इसमें हमारे इसमें आपके तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. पहला किसके बीच में हुआ होगा, आपके क्रेडिटर एंड डेटर के बीच में, किसके बीच में? क्रेडिटर एंड डेटर के बीच में. दूसरा किसके बीच में हुआ होगा, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, कि उसने श्योरिटी दी होगी. और श्योरिटी, अरे उससे पहले कैसे दे देगा, लेकिन वो पहले हुई किसके बीच में, श्योरिटी और डेटर के बीच में. तो आई होप ये तीनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किस किस के बीच में हुआ हमारा, क्रेडिटर एंड डेटर, दूसरा था हमारा डेटर एंड श्योरिटी, और तीसरा है हमारे पास श्योरिटी एंड क्रेडिटर. तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है. अब एक बार हम लोग इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. अब अगर आप ध्यान देंगे ना इसके अंदर, तो इसमें जो सेम कलर आपको दिख रहे हैं वो आपके इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, ठीक है. ये ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन सेम कलर से आप इसको पहचान जाओगे, ओके. तो आपका देख लेते हैं हम लोग. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अभी भी मैंने बोला तीन पार्टीज़ होती है. कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से आप इसको रिवाइज़ कीजिए. कौन कौन सी होती हैं, आपकी क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी. जबकि इंडेमनिटी में कौन कौन सा होते हैं, इसमें केवल टू पार्टीज़ होता है, एक तो इंडेमनीफायर, एक इंडेमनीफाइड, ठीक है. जो आपको इंडेमनीफाई कर रहा है ना, आपको मतलब किसको, वो इंडेमनीफायर को. एक तो इंडेमनीफायर होता है, एक इंडेमनीफाइड होता है, ठीक है. तो दो हो गए आपके. अब आपका दूसरा पॉइंट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ एंटर्ड इनटू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर, है ना. अब इसके अंदर क्यों होता है, इसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर के लिए एंट्री की जाती है बाय द श्योरिटी. और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इज एंटर्ड फॉर द रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉस. इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना. उसमें उसकी सिक्योरिटी के लिए, जबकि इसमें रीएम्बर्स, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉस के लिए. आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्सिक्वेंशियल मतलब अगर घटा, अगर वो डिफॉल्ट में रहा आपका डेटर, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कर दूंगा वो काम. जबकि ये जो है ना, एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड. और आपका ये जो पॉइंट है ये ऐसे बोलता है कि इट इम्प्लाइज थ्री कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी मैंने आपको बता ही दिया. जबकि इसके अंदर ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक हमारा रह गया है बीच में, कि जो गारंटर जो होता है ना, जो उसकी लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की, वो सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट में रहा तो मैं दे दूंगा. जबकि इंडेमनीफायर की जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, ठीक है. वो प्रॉमिस करता है, याद करो इंडेमनीफायर क्या था, कि इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स मैं आपको इस चीज़ के लॉस की भरपाई करूँगा. जैसे कि, और उसके अंदर पूरे के पूरे पैसे नहीं दिए जाते, कुछ अमाउंट दी जाती है, राइट. तो आई होप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए आपको कोई और टॉप, मतलब कोई और वीडियो प्रेफर नहीं करनी पड़ेगी. मैंने आपको सारा का सारा चीज़ इसमें प्रोवाइड करवा दी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मैंने पिछली क्लास के अंदर क्लियर करवा दिया था, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. तो या गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. तो उसके लिए आप लोग इस टॉपिक को जल्दी से क्लियर कर लीजिएगा, ओके. थैंक यू.